हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुदीप। वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए जो बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस बीमारी को बोलते हैं ल्यूकोरिया, या जो है प्रदर रोग बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और ये कैसे होता है। तो ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सफ़ेद, ये जो है कार्डियोवाइड डिस्चार्ज होता है या वाइट्री डिस्चार्ज होता है वजाइना से, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर जो आपको वाइट्री डिस्चार्ज हो रहा है तो मतलब प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है, और अगर जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो फंगल का इन्फेक्शन है। और अगर जो इस डिस्चार्ज में से आपको स्मेल आ रही, बदबू आ रही है, तो उसमें बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन शामिल है। तो ये तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस। ये तीनों मिल के जो है इसको इन्फेक्ट करती हैं और ये सिक्रीशन वजाइना से आता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? वजाइना से डिस्चार्ज होगा, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, ईचिंग होगी वजाइना के चारों तरफ, और कमर में दर्द हो सकता है, फीवर भी कभी कभी देखा गया, फीवर भी आ जाता है। तो अब हम इसके बारे में आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ये जो होता है कंबाइंड इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस जो हमारे पैरासाइट होते हैं, जो उनके कारण होता है। तो इसका ट्रीटमेंट, एक किट आती है जोकोन एस किट, इसमें जो है तीन ड्रग होती हैं, एक फ्लूकोनाजॉल, दूसरी एजिथ्रोमाइसिन, तीसरी आपकी जो है स्किनेडाजॉल होती है। तो इस किट को आपको 3 से 4 वीक तक लेना होता है, 1 वीक में एक बार लेना होता है। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, फ्लूकोनाजॉल 150 mg होती है, उसको आपको सुबह खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद लेनी है एक बार। फिर होता है एजिथ्रोमाइसिन 1000 mg, 1000 mg होती है, जिसको आपको लंच करने, यानी कि दोपहर के भोजन, जब दोपहर का भोजन करें तब आपको लेना है। और तीसरा होता है स्किनेडाजॉल, इसका 1000 mg का या 1000 mg का टेबलेट आपको रात में 2 टेबलेट लेने हैं सोते समय। तो ये हफ्ते में चार हफ्ते तक आपको लेना है, और हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना। अगर जो आपने ये इस हफ्ते ले लिया तो 7 दिन बाद फिर आपको दूसरे हफ्ते में लेना, फिर उसके 7 दिन बाद फिर तीसरे हफ्ते में लेना, मतलब हर हफ्ते एक बार लेना है आपको इस किट को, जोकोन एएस किट, इसमें ये कंपोजिशन होता है। तो ऐसे जो आपका जो है ये जो वाटरी डिस्चार्ज है ये ठीक हो जाएगा। अगर जो येलो और वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको इसमें एक क्लोट्रिजॉल वजाइनल पिसरीज आती है, टेबलेट होता है, जिसको वजाइना में रखना होता है, वजाइना में रखना होता है। और ये जो है जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया ऐसे इसको रखना है, और ये आपको 7 दिन तक इस टेबलेट को वजाइना में रखना है, तो जिससे येलो और वाइट डिस्चार्ज था वो भी आना बंद हो जाएगा। और अगर जो ईचिंग हो रही है तो आपको एक क्रीम लेनी है, प्रोपाइजॉल NF क्रीम, और इसको वजाइना के चारों तरफ लगाना है। और अगर जो आपके कमर में दर्द हो रहा है तो आपको डाइक्लोफेनिक टेबलेट लेनी है, अगर दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो आप पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं, अगर जो आपका वेट 60 kg के से ऊपर है। तो ऐसे आप जब ड्रग लोगे तो आपका जो है ये ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी या प्रदर रोग, ये आपका ठीक हो जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे आप ईचिंग अगर ज़्यादा भी हो रही तो आप स्क्रीन के अलावा आप लिबोसिट्राजिन टेबलेट भी ले सकते हो, या एलेग्रा की टेबलेट ले सकते हो आप। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर जो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।